ट्राई किया कभी आपने इसको? मजा आता है नशा? पर वही होता है ना, बियर फिर एक कांस्टेंट बन जाता है और हम इसकी खरीद भी नहीं सकते ना। दोस्तों इस CPL IPL बिग बैश लीग में बढ़िया विनिंग करना चाहते हो आप, लखपति बनना चाहते हो आप मेरी तरह, तो ये फैंटेसी एप्लीकेशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है जिसका नाम फैंटेसी पावर 11 है। मैं जब इसकी फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, जब इसकी एंट्री फीस के बारे में बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे इसी ऐप पे खेलना है। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूं इसकी एंट्री फीस। दोस्तों यहां की आप एंट्री फीस देख सकते हो 520 रुपीज में 1000, ये हेड टू हेड की मैं बात कर रहा हूं। आप जितने भी लीग्स में आप देखोगे सारी लीग्स में आप बोनस का यूज कर पाओगे और बहुत ही लो एंट्री फीस है। अब जिस भी फ्रेंड को रेफर करोगे उससे भी आपको 25% रेवेन्यू मिलता रहेगा आपके अनयूटिलाइज्ड बैलेंस में, जिससे आप स्मॉल लीग्स कोई भी लीग्स खेल पाओगे, सारे लीग्स में बोनस का यूज कर पाओगे। यहां का विड्रॉल सिस्टम बेहतरीन है, यहां की सर्विस बेहतरीन है। मैं अपनी जो विनिंग हुई है मेरी अभी तक इस पे, वो मैं आपको अभी शेयर करता हूं। आप देख सकते हो यहां पे मेरी विनिंग्स कितनी बढ़िया यहाँ पे हो चुकी है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने अभी तुरंत जस्ट विड्रॉल करा है यहाँ पर और ये मेरे अकाउंट में भी पहुँच चुका है। तो बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड्स यहाँ की सर्विस है, आप खेलिए, यहाँ पर हमेशा आपकी विनिंग्स होगी इस CPL IPL बिग बैश लीग में। बढ़िया विनिंग कीजिए, रेफर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप रेफर से ही इतने हिस्से कमा लोगे कि आपको अपने बैलेंस डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज ही साइन अप करें, आज से ही खेलना स्टार्ट करें। हाय गोल्डन, आप सुनाइए। नमस्कार, यूपी से लग रहे हो आप? नहीं, भी बैठ जाएं? हाँ, सीट लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, कोई नहीं। यूपी से लग रही है आप? नहीं, उत्तराखंड। यूके से? हाँ, इंडिया में तो एक ही उत्तराखंड है। अरे दो तीन हम बना देंगे ना यार, स्पेशल कर देंगे। आप कहाँ से हो? यूके से ही? हाँ। यूके में कहाँ से? मैं देहरादून, दोनों देहरादून से ही हैं। अच्छा, अपनी कुछ पुश्तैनी जमीन है ना वहाँ पे यूके में? आपकी? हाँ, वहाँ पे हरिद्वार में है। मेरा घर हरिद्वार में ही है वैसे। हरिद्वार में? हाँ। तो आप रुड़की भी जानती हो? हाँ। अरे मेरी कॉलेजिंग वहीं से हुई है यार। या 2015 हम कॉलेज में गए वहाँ कंपटीशन के लिए कई बार। हाँ यार, फिर से क्या है स्टडी में, क्या आप लोगों का स्टडी में क्या है? स्टडी में तो थोड़ा मास्क नीचे कर दीजिए, फिर मजा आएगा बात करने में। मतलब अगर मैं आपकी तारीफ, अगर बोलते ना ताजमहल कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन उसको ढक दिया जाए तो उसकी खूबसूरती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार आपकी खूबसूरती तो ढकी हुई है। तो हम तारीफ भी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो ढकना पड़ेगा ना। कोरोना आप मानते हो COVID-19 को? मेरे डैड डॉक्टर है, वो तो नहीं मानते। बढ़िया, आपके डैड डॉक्टर है, हमारे डैड IAS है यार, मिल रहा है हमारा कुछ ना कुछ यार। अब आप क्या करती हैं? दोनों क्रू? हाँ, दोनों। बढ़िया यार, फिर हम तो इंजीनियर हैं। तो कौन सी फ्लाइट में? इंटरनेशनल डोमेस्टिक। इंडिया के बाहर गए हो? अभी तक तो नहीं। अभी तक आप भी नहीं गए? मुझे तो लगता है आप इंडिया के बाहर ही रहते होगे। आपका ड्रेसअप सेंस, बात करने का तरीका सब आउटस्टैंडिंग है, इसलिए मुझे लग रहा है। की हॉबीज क्या है? एक हम तो फ्लाइट पे जाते हैं। हाँ। फ्लाइट से आके सो जाते हैं और खाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जो कैप्टन हो वो कभी आपको पसंद आ गया हो? लाइफ में ऐसा होता है ना कभी कभी? कैप्टन को पसंद करना ही नहीं। क्यों यार? जरूरी नहीं, हमें वैसे ही पसंद आ जाए, कुछ लोग वैसे ही पसंद आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो अगर सेम प्रोफेशन में कोई तो पसंद नहीं आता वो। तो क्या ख्याल है हम जैसे लोगों के बारे में? फूफा जी टाइप के होते हैं, वो मुँहफट होते हैं, ये मान लो ये बोलो तो मैं मान लो, जो दिल करता है बोल देते हैं। कुछ कुछ होते हैं। ड्रिंक विंक करते हो कभी काल? सुट्टा उट्टा सब तो कभी ज्वाइन कीजिए हमें भी यार, हम भी पीते हैं। आपकी फेवरेट रम कौन सी? अरे क्या बोलते हैं, दारू कौन सी? मैंने कभी नहीं पिया, पकड़ सकते हो आप? अच्छा। बट मैं ट्राई करता हूँ, सच में नहीं पिया यार, इंजीनियर हूँ, मतलब जस्टी है कि मैं इंजीनियर तो ज़्यादा पीता है। हाँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ट्राई करना चाहूँगा। अच्छा, फेवरेट कौन सी है आपकी? हम तो बियर विस्की वाले हैं। मुझे स्कॉच पसंद है। ट्राई किया कभी आपने स्कॉच? मज़ा आता है नशा? पर वही होता है ना, बियर फिर एक कांस्टेंट बन जाता है और हम इसकी खरीद भी नहीं सकते ना हर दो दिन पर। सुंदर चीजें आकर्षित कर लेती है अपनी ओर। अच्छा, तो दिल्ली में कैसे आज घूमने का ही मन था। हाँ। तो मैं ये दो लाइन सुनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअल में मैं एक राइटर हूँ और मैंने बहुत सारी मूवी में स्क्रिप्ट भी लिखी है, तो कुछ आप लोगों के लिए फरमाता हूँ। खाली आप बताओ, कोई भी वर्ड सुनो, मैं शायरी बना दूंगा उस पर। बकवास। ओए होए होए, बिल्कुल। खाली पीली सी क्या जिंदगी हो गई, खाली पीली सी क्या जिंदगी हो गई, कोरोना के टाइम में एकदम साली बकवास हो गई। खाली पीली सी क्या जिंदगी हो गई, कोरोना के टाइम में एकदम बकवास हो गई, भगवान का करिश्मा तो देखो दो परी भेजा, पूरी जिंदगी एकदम हर हर हो गई।
इंजीनियरिंग क्यों करी फिर? हाँ, इंजीनियरिंग करने सुनो तो दरअसल बात यह है, मैं मिस्टेक थी तो हम लोग मजा नहीं पाया। आठ तक तो हम लड़कियों से दूर रहे। इंजीनियरिंग मैंने कहा लड़की पढ़ाने के लिए की, मैंने कहा चलो लड़की से लड़की पढ़ाऊंगा, थोड़ा घूमूंगा डालूंगा। बाद में क्या हुआ, उसी पूरे धंधे में डल गया। कर रहा हूँ वर्किंग गूगल, गूगल में जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, इंजीनियर हूँ। लेकिन ये सब मेरे को अच्छा लगता है, लाइन वाइन बनाना। ये सब क्या है? ये तो आपको इम्प्रेस करने का तरीका था, अब आप ना इम्प्रेस हो तो वो अलग बात है। अच्छा, आप लोग मुझे अच्छे लगते। देखिए सुंदर चीजें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो आप सुंदर हो इसलिए मैंने आपको बोला। आप तो आप पे डिपेंड करता है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मास्क पहन के सुंदरता का हिसाब नहीं लगाया, फिर भी उनके शब्दों से हम थोड़ा सा इंसान को देख कर उसकी वजह से नहीं का औकात का अंदाजा लगा लेंगे यार। एक लाइन को मैं अपने हिसाब से बना दूँ, क्या चश्मे जिंदगी है आंखों में क्या तरन्नुम है, क्या चश्मे जिंदगी है आंखों में क्या तरन्नुम है, फ्लाइट की रंगत आसमां की परी, क्या एकदम पीर जैसी हीर जैसी ये रानी हो संगत, जो अभी मिली तो क्या कहानी है। अच्छा लगा? हाँ, तो कॉफी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ? क्या कॉफी इम्प्रेस हुए आप हमसे? हाँ। कॉफी सर। नमस्ते। कोरोना ने नहीं फंसते, हम दिल दे देंगे आपको। नहीं, दिल हमारे वो दो लड़के खड़े हैं ना। हाँ। दे चुके, दोनों ने दे दिया। पता है जिस काम में रिस्क ना हो उसमें मजा नहीं आता, और मैं रिस्क को चूज करने में भरोसा करता हूँ। ट्राई करते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, जिंदगी आप कहीं और कहीं और। कॉफी पी के देख, अगर ना दिया जाए ये गलत बात है मोहतरमा जी, मौका देना सही बात है ना। अच्छा जस्ट मिनट, कॉफी तो हम पी ही लेंगे। एक्चुअल में आई एम प्रैंक क्रिस्टल, उधर देखिए कैमरा लगा है। जस्ट फन आए कर दीजिए बस। चलिए।